नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो चर्चा का विषय है वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहां पर एमसीडी चुनाव दिल्ली के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे ऐसे आए हैं जिन पर अब जो एक संदेह था, संशय था और आरोप प्रत्यारोप का दौर था वो ख़त्म हो गया है। आम आदमी पार्टी जो कि चमत्कार की तरह दिल्ली में आई, 12 में शुरुआत हुई और तीसरी बार सरकार बनाकर वहाँ पर फिलहाल राज कर रही है। और उसके बाद एमसीडी जहाँ पर 35 लगभग 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की बादशाहत रही थी, वो एमसीडी अब भारतीय जनता पार्टी की नहीं रही। रही क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने 134 सीट जीत कर ये दिखा दिया कि रणनीति बेहतर हो, काम बेहतर हो तो यहाँ पर परिणाम भी बेहतर लाने में कोई देरी नहीं होती है। तमाम नेताओं के खिलाफ कार्रवाई, तमाम तरह के वीडियो वायरल, विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर पर इसके अलग यहाँ पर एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया। 134 सीट, यानी कि अपने पुराने जो प्रदर्शन था उससे 85 सीट ज़्यादा। पहले पुराना प्रदर्शन अगर बात करें तो जब पहले चुनाव हुआ था इसके पहले एमसीडी का, तब वहाँ पर आम आदमी पार्टी को महज 49 सीट मिली थी और इस बार 85 सीट बढ़कर 134 सीट पर बहुमत में। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ नुकसान में है। नुकसान में इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को जहाँ पर सीटें मिली बहुत कम मिली हैं। पिछली बार 181 थी और इस बार 104, यानी 77 सीटों का नुकसान। कांग्रेस मेहनत तो की रही थी पर चूंकि अब चुनाव तो लड़ी है तो यहाँ पर जो नुकसान था वो तो होना लाजमी था और हुआ भी। यहाँ पर 22 सीटों का नुकसान होते हुए कांग्रेस जो पहले 31 सीटों पर थी अब इस बार 17 के बाद जब 22 में चुनाव हुए हैं तो यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति 9 सीटों पर आकर रुक गई है। हालांकि पहले जो सीटें थी वो अलग थी और सीटों में जो बढ़ोतरी थी वो यहाँ पर कम हो गई। पहले 272 सीटों पर चुनाव हुआ था और इस बार चुनाव जो हुआ है वो हुआ है लगभग लगभग 250 सीटों पर। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि कल मैनपुरी, रामपुर, खतौली के उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुए थे लगातार चर्चा के विषय बने हुए थे, वहाँ पर भी चुनाव का परिणाम आना बाकी है। अब चुनाव परिणाम क्या आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, पर निश्चित रूप से यहाँ पर जैसे आम आदमी पार्टी ने तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए अपनी विजय पताका लहराई है तो निश्चित रूप से टॉनिक के रूप में काम करेगा आगामी उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के लिए भी। और गुजरात चुनाव चूंकि वहाँ पर तो चुनाव हो भी गए हैं और वहाँ पर अब से परिणाम की बारी है, पर निश्चित रूप से जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर कोई कार्रवाई हो रही है, अगर मामले आ रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, पर जनता जनार्दन ने ये दिखा दिया कि हम पर किसी वीडियो का या किसी उसका फर्क नहीं पड़ता है। हम अपनी समीक्षा स्वयं करते हैं और हमारी समीक्षा की कसौटी पर जो भी पार्टी उतरेगी हम बहुमत उसी को देंगे। और निश्चित रूप से यहाँ पर 15 साल पुरानी बादशाहत बीजेपी ने गवा दी है। कुछ महत्वपूर्ण ऐसे बयान सुनते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जितने कैंडिडेट्स जीते हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, भारतीय जनता पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, कांग्रेस वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, निर्दलीय जो जीते हैं उनको भी बधाई, और जो हारे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मायूस मत होना, दिल्ली को ठीक करने में हम आपका भी सहयोग लेंगे। दिल्ली की जनता ने पूरे देश को संदेश दिया है, दिल्ली की जनता ने पूरे देश को बताने का काम किया है कि उनके बेटे अरविंद केजरीवाल का अगर उत्पीड़न करोगे, फर्जी मुकदमे लिखोगे तो तुमको चुनाव में अपने वोट की ताकत से पराजित करके जवाब देने का काम करेंगे। कितने मुकदमे लिखे, कितने फर्जी आरोप लगाए, कितने छापेमारी की, कितने उत्पीड़न किया, लेकिन पूरी दिल्ली ने मिलकर एक स्वर में कहा उनका बेटा अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। आगामी उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा क्या? इस चुनाव का आगामी 2024 चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा? ये भी महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है
क्योंकि चुनाव होते हैं, चुनाव के ये भी बहुत छोटा चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव नहीं कहेंगे, पर चूंकि ये एक जमीन से जुड़ा हुआ चुनाव है और वही जनता आपको आम चुनाव में भी वोट करती है, वही विधानसभा चुनाव में वोट करती है, उसी जनता ने यहाँ पर एमसीडी चुनाव में आपको वोट किया है। पर यहाँ पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी सफलता मिली है तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट करती है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में जो सरकार चला रही है आम आदमी पार्टी, वो महज चमत्कार नहीं है। शायद अगर मेहनत करते रहेंगे और कछुए गति से भी चलेंगे तो परिणाम सामने आते रहेंगे। वो अलग बात है, परिणाम उत्तर प्रदेश में नहीं आए। उत्तर प्रदेश से 403 सीटों पर चुनाव लड़ा था, पर यहाँ पर कोई भी चमत्कार नहीं हुआ था। यहाँ पर भी तमाम तरह के बातें लेकर आम आदमी पार्टी वाले आए थे, पर शायद उन बातों पर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोहर नहीं लगाई थी। मोहर यानी चुनावी, मोहर यानी जीत की, मोहर यानी विजय पताका की। एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव 17 में भी जिस तरह से अगर आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को बेहतर समीकरण मिले थे तो उम्मीद की जा सकती है कि 22 में भी आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव में कुछ बेहतर प्रदर्शन करेगी। और फिलहाल ये एमसीडी के जो टॉनिक है, ये टॉनिक शायद आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में कुछ बेहतर परिणाम दे पाए। चुनाव भी आने वाले हैं, बहुत समय नहीं है। शायद मैनपुरी, रामपुर, खतौली के उपचुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद हो सकता है निकाय चुनाव की घोषणा भी हो जाए, क्योंकि आगामी 8 जनवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश निकाय का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। उसके पहले चुनाव होंगे ना होंगे या उसी समय चुनाव होंगे, ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में नहीं था। पर निश्चित रूप से यहाँ पर आम आदमी पार्टी और व्यवस्थित रूप से यहाँ पर जिस तरह रणनीति बनाई और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी यानी भाजपा को यहाँ पर चुनावी संघर्ष में भले ही कम अंतर से हराया हो, पर हराया तो हराया है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी 181 सीट 17 में लेकर आई थी और यहाँ पर 104 पे संतुष्ट करना पड़ रहा है, 77 सीटों के नुकसान पे। पर यहाँ पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी 49 सीटों से 134 पे पहुँची है तो कहीं ना कहीं रणनीति, मेहनत और शायद जनता का जनाधार इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। बिना जनता जनार्दन के जनाधार के फिलहाल ये संभव नहीं है। पर जहाँ पर उत्तर प्रदेश में हार, उसके बाद तमाम तरह की कयाबाय, उसके बाद तमाम तरह के वीडियो वायरल, मंत्रियों पर कार्रवाई, मंत्रियों पर प्रश्न, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने यहाँ दिखा दिया कि अगर हम बेहतर काम करेंगे और केवल जनता के लिए सतत काम करते रहें तो कहीं ना कहीं परिणाम आएंगे। इन परिणामों की रूपरेखा क्या है, इन परिणामों का समीकरण क्या है, ये तो हमको जो चुनावी को देखने वाले नेता हैं जिन्होंने इस चुनाव को बहुत नज़दीकी से देखा है वही बता पाएंगे। इस चुनाव में हुआ क्या कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की 15 साल पुरानी बादशाहत को आम आदमी पार्टी ने दहा दिया। दहाया कैसे, क्या कारण था और क्या व्यवस्थाएं थी, ये अभी भी एक प्रश्न रहेगा, क्योंकि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है और हर चुनाव को बहुत संजीदगी से लड़ती है। पर यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर परिणाम आए, निश्चित रूप से यहाँ पर प्रश्न होना जरूरी है। हमारे चर्चा में जुड़ने के लिए किसी जैन भाई भाजपा प्रवक्ता से अपनी बात रखेंगे। प्रवक्ता आपके रूप में तुषार श्रीवास्तव अपनी पक्ष रखेंगे। प्रवक्ता सपा में रविंद्र प्रताप सिंह भाई अपने पक्ष रखेंगे। उमेश यादव भाई सुभाषपा से अपना पक्ष रखेंगे और बीरप्रकाश भाई आरएलडी से अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा प्रवक्ता आप तुषार श्रीवास्तव से। तुषार बधाई हो आपको एमसीडी चुनाव में जीतने की। पर जिस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा था, तमाम तरह के दौर यहाँ चल रहे थे, बयानों के दौर चल रहे थे और इसके अलावा एक व्यवस्था ये भी है कि कहा जा रहा था कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपनी बादशाह को कायम रखेगी। क्या कारण रहा, क्योंकि तमाम तरह के मामले उछलते रहे, कभी लक्ष्मी गणेश जी की फ़ोटो नोट पर कहने की बात रही तो कभी सत्यन जैन का वीडियो वायरल हुआ और तमाम तरह के कयास चलते रहे। कैसे हुआ है, क्या अंतर रहा कि इतना बेहतर प्रदर्शन कर पाए? धन्यवाद जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं आज जिस तरह से एमसीडी में दिल्ली में हमारी जीत हुई है जी, उसके लिए मैं दिल्ली वासियों को और कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं जी, जिनकी मेहनत रंग लाई है जी। देखिए आज से पहले भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का कुशासन अच्छा, जो आज आम आदमी पार्टी ने उसको ध्वस्त कर दिया अच्छा। आप देखिए 15 साल क्यों बोलते हैं आप लोग, कुशासन 15 साल से भारतीय जनता पार्टी वहां पे थी अच्छा एमसीडी के अंदर, लेकिन आप देखिए कि वहां पे 3 कूड़ों के पहाड़ उसने खड़े कर दिए। 10 साल से आप भी तो हैं, लेकिन एमसीडी हमारे पास नहीं थी अच्छा,
ठीक है, अब एमसीडी हमारे पास आई है। अच्छा, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जी तीन बड़े बड़े कूड़ों के पहाड़ बने थे, अच्छा, जनता ने देखा उस चीज को, और आम आदमी पार्टी जो कि अपने वादों पे पूरे खरा उतरती है, जो भी मैनिफेस्टो में होता है उसको पूरा करती है, अच्छा, तो जनता ने इस चीज को देखा कि अगर आम आदमी पार्टी को हम एमसीडी में लाते हैं तो इन कूड़ों के पहाड़ों से हमें निजात मिलेगी। अच्छा, अब एमसीडी के बहुत सारे स्कूल हैं जहां आपकी हालत बस से बदतर है। अच्छा, तो जनता ने यह भी देखा कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में सरकारी स्कूलों की कायाकल्प कर रहे हैं, अगर उनको एमसीडी मिलाते हैं तो वो भी बेहतर होगा। अच्छा जी, ठीक है। किशन भाई, भाई यहाँ पर थोड़ा सा निराशा जरूर है, जो जादुई आंकड़ा था वहां तक नहीं पहुंचा, पर 104 सीटें खराब नहीं होती, पर थोड़ा सा दूर रह गए। पर जो नुकसान यहाँ पर हुआ है 77 सीटों का, ये नुकसान निश्चित रूप से यहाँ पर आप सोचना होगा कि जहाँ सब जगह जादू चल रहा है, 37 साल पुराना मिथक को उत्तर प्रदेश में दोबारा काया है, दोबारा सत्ता है उत्तर प्रदेश प्राप्त कर ली, पर ये जादू दिल्ली में क्यों नहीं चल पाता है? देखिए गौरव जी, जी पहली बात तो ये है जी कि अभी आपने जिस बात का जिक्र किया जी कि उत्तर प्रदेश में अगर 35 सालों के बाद कोई पार्टी रिपीट होती है जी तो वो भारतीय जनता पार्टी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को जनता ने सराहा, सिरवाते बैठाया, काम को सराहा और दोबारा एक बार जनता ने मौका दिया जी काम करने की। जी देखिए भारतीय जनता पार्टी में और अन्य पार्टियों में यही अंतर है जी। अभी इसके पहले 5 राज्यों के चुनाव हुए, 5 राज्यों में एक जगह पे आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, 4 जगहों पे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई जी। लेकिन जिस प्रकार से अभी आपने भी एक बात कही कि बहुत बड़ा चुनाव नहीं था जी। लेकिन अगर देखा जाए कि 5 राज्यों के चुनाव प्लस 2 राज्यों के अभी और जो चुनाव हुए हैं इनके परिणाम आ जाएंगे जल्दी ही, तो इस तरीके से दोनों जगहों पे हम जीत रहे हैं जिस तरीके से हमने वहां पर काम किया है, और लगातार एग्जिट पोल भी जो बता रहे हैं वो भी पूर्ण बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं जी। और गुजरात और अन्य जगहों पे भी हम सरकार बना रहे हैं। तो अगर देखा जाए कि 6 राज्यों में जो जस्ट चुनाव हुए उनमें से अगर 6 राज्यों में 6 प्रदेशों में हम सरकार बना रहे हैं, और एक जगह पे अगर एमसीडी में ये कुछ सीटें बढ़त करने के बाद में वहां पे इनका मेयर वहां पे रहेगा, ये चुनाव वहां जीत जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 104 सीटें अगर हम लेकर के आए तो सीटें कम नहीं। हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद में फिर जनता जनता को देखिए, जनता ये स्वयं कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ ही कि 15 साल से वहां पे भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में थी, तो पहली बार जनता चलिए बेवकूफ बन गई, दूसरी बार जनता बेवकूफ बन गई, तो हर बार जनता, तीसरी बार जनता, मतलब जो जनता का जनमत है ये उसका अपमान है। क्योंकि अगर एक बार का एमसीडी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती होती और उसको 5 साल का कुशासन कहते तो ये कह सकते थे कि भाई जनता को दोबारा मौका नहीं मिला चेंज करने का, लेकिन जनता ने 15 साल तक अगर एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को बैठाल के रखा और उसके बाद में उसको एक कुशासन कह रहे हैं, तो इस तरीके से जनता को गाली है। और 104 सीटें लेकर के इस बार भी आए, कम सीटें लेकर के नहीं आए, और जहां पे हार जीत का अंतर रहा है वहां पे तमाम जगहों पे 500, 200, 700, 600 इस तरीके से वोटों का भी अंतर रहा है, तो ये भी कहना गलत है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकार दिया। हाँ ये जरूर है कि चूंकि लोकतंत्र में जो अगर एक ही सीट ज्यादा लेके आता है सरकार बनाने का मौका उसको मिलेगा, आपको मौका मिला है, आपको बधाई हो, आपका स्वागत है, लेकिन इस तरीके से कहना कि कुशासन को जनता ने हटा दिया, तो इसका मतलब यह है कि आपके दिल्ली की कुशासन को देख करके 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उनमें 4 राज्यों में जनता ने आपको मौका नहीं दिया, और उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको 1 भी सीट जीतने का मौका नहीं दिया 4 सीटों में से, तो इसको क्या कहेंगे? इसका मतलब दिल्ली में आप कुशासन कर रहे हैं, बगल का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, तो आपको जनता ने नहीं चुना। तो देखिए इस तरीके की शैली का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ताओं के बयान है, जितने भी बड़े नेताओं के बयान है, सबने केजरीवाल जी को बधाई दी, आम आदमी पार्टी को बधाई दी, और आम आदमी पार्टी के साथ ही बैठ करके उसको कुशासन कह रहे हैं 15 साल का, तो इस पे बिल्कुल घोर आपत्ति है। और जहां तक चुनाव की बात है तो जनता के जनादेश को स्वीकार करना चाहिए, हमने स्वीकार किया, हमने स्वीकार किया जनता के जनादेश को, और इसके पहले जब 5 राज्यों में चुनाव हुए और 4 जगहों भारतीय जनता पार्टी जब जीती तो कहा ईवीएम मशीन गड़बड़ हो गई, लोग वोट नहीं डालने दिए, लोगों को वहां बंधक बना लिया, कैसी कैसी बातें आई, कैसी कैसी चीजें आई। अरे ठीक है, हमने 15 साल तक हमने काम किया, अब जनता चाहती थी किसी और को मौका मिले,
आपको मौका मिला है, आप काम करेंगे। अच्छा। और जो चीज आपने कही अभी इसके पहले प्रोमो में कि जनता जनार्दन है, जनता जब चाहे जिसको चाहे बदल सकती है, और जनता ये तय करती है कि अब तक कौन काम कर रहा है, आगे किसी और को मौका देना है या इसी को रिपीट करना है। तो जनता काम के आधार पर विश्लेषण करती है, कभी कभी इंटिंग कैंपेसी भी होती है, चूंकि 15 साल से हम थे, जनता ने चेंज किया, आपको एक बार मौका दिया है, लेकिन जो 5 राज्यों के चुनाव हुए इसको क्या कहेंगे, इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने मौका दिया। तो ठीक है, आपका स्वागत है, आपको बधाई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं पीछे नहीं है। 104 हमारे जो वहां पर एमसीडी के मेंबर चुन करके आए हैं, और साथ ही साथ जो जिन लोगों को हार का सामना करना पड़ा है उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप विश्लेषण करेंगे गौरव जी, देखेंगे बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हमारे अंदर गुरूर और घमंड नहीं है। अच्छा। हम 4 राज्य ये और 2 राज्य और आगे जो जल्दी रिजल्ट आने वाले उसमें भी हम जीत रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी 6-6 राज्यों में अभी तत्काल वाले जो राज्य है उनमें सरकार बनाने के बाद गुरूर घमंड में रही है, और आम आदमी पार्टी एमसीडी में कुछ सीटें ज्यादा जीत करके अगर उसका प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है इतना गुरूर और घमंड, तो जनता तय करेगी किसको बैठाना है किसको नहीं बैठाना। ठीक है ठीक है ठीक है। कैसे भाई, हमारे साथ रविंद्र प्रताप सिंह सपा से जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, यहाँ पर एमसीडी चुनाव के नतीजे आए हैं और कल मैनपुरी रामपुर खतौली यहाँ का पिटारा भी खुल जाएगा कि यहाँ पर किसको जीत हासिल होने वाली है। बहुत समय नहीं बचा है, कल सुबह इसके परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। और जिस तरह से यहाँ पर चुनाव हुआ और यहाँ पर बीजेपी को पीछे रह गई, वहाँ पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली है, जीत गई है एमसीडी चुनाव, कैसे देखते हैं आने वाले समय में किस तरह चुनौती बनेगी उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए, आपके लिए, और साथ ही साथ मैनपुरी और इसमें भी क्या इस तरह का परिणाम आपको देखने मिलेगा, या बीजेपी जो परंपरा आपसे चलाती आ रही है जीतने की उसी परंपरा को काबिज रखेगी। सर्वप्रथम तो आपके टेलीविजन चैनल के माध्यम से आम आदमी पार्टी को बहुत बहुत बधाई है। बीजेपी के 15 साल इस प्रशासन को काट देगा और 134 सीटें जीती है जी, लेकिन उनकी 135 है क्योंकि एक उनके निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं अकीला बेगम जी, 250 सीटें 135 सीटें आपके आपके पास में जी। बात यह है कि आपकी दिल्ली में रविंद्र जी की आवाज सही की जाए, इनकी आवाज भी बहुत खराब है जी। जी रविंद्र जी, तो अगर अगर दिल्ली के प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं तो दिल्ली की लगातार 34 हार है बीजेपी की दिल्ली में। अब अगर आप लगातार 2022 में हुए चुनाव को देखते हैं जी, तो हरियाणा में 2022 में चुनाव हुए थे निकाय के 46 निकाय में से बीजेपी की 27 पाई थी जी। मध्य प्रदेश में हुए थे जहाँ 16 के 16 महापौर जी बीजेपी से हुआ करते थे, उसमें से 7 हार गई थी और 9 सीटें उनके हाथ लगी। पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो 108 निकाय में चुनाव हुए थे, 102 TMC ले गए जी। अभी अभी नागपुर के पंचायत समिति का चुनाव हुआ, बीजेपी 0-0। एक उपचुनाव हुआ बंबई में, उसमें बीजेपी को उम्मीदवार नहीं मिला। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का है ये, इसकी जन विरोधी नीतियों के कारण है। दूसरा विषय तो आपने पूछा कि मैनपुरी में क्या होगा, मैनपुरी में जितनी ताकत थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्पीड़न की, जेल में बंद करने की, मतदाताओं को नहीं निकलने देने की जी, उसका परिणाम कल सामने आ जाएगा। ये मैं आपके चैनल में पहले भी बोल चुका हूँ। अच्छा। हमारे भाई आज हमारा प्रतिनिधि गया था मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ से, 45 मिनट कुछ भी बोल पाने में सक्षम नहीं थे। अच्छा। कुछ भी जहाँ तत्काल कार्रवाई करनी थी वहाँ पर एक शब्द जी, तो जो लोकसभा उपचुनाव के साथ में रामपुर उपचुनाव, फतेहली उपचुनाव हम जीतने जा रहे हैं
जबकि आपने एक वीडियो देखा होगा वहां पे जी। अब पुलिस क्या कर रही है, वो डालने जाने वालों का आईडी कार्ड चेक कर रही है। अच्छा। निर्वाचन नियमावली का उल्लंघन है। अच्छा। और पुलिस अपने आप ये काम नहीं कर सकती है जबकि उसको ऊपर आदेश लगा हो, इस बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सर रवि जी की आवाज बार बार खराब आ रही है। रवि जी मैं आपसे दोबारा संपर्क करता हूँ, हमारे साथ प्रवक्ता रालोर बीरपाल जी, यह आवाज आपकी बार बार डिस्टर्ब आ रही है। हमारे साथ प्रवक्ता रालोर बीरप्रकाश मिश्रा जी बैठे हुए हैं। बीरप्रकाश जी यहाँ पर भी आपकी प्रतिष्ठा भी दाव पर लगी है मदन भैया के रूप में, और यहाँ पर चूंकि पहले 22 के चुनाव जब हुआ था विधानसभा का, विक्रम सैनी जीते थे, वो अलग बात है उनकी धर्मपत्नी चुनाव मैदान में है, पर क्या लगता है कि यहाँ पर एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई है? और निश्चित रूप से भले ही लोग कुछ भी बोलते रहे पर आम आदमी पार्टी लगातार उसका जो एक कारवा है लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी आपको चुनौती देगी? कि चुनौती केवल भाजपा के लिए नहीं है, चुनौती आपके लिए भी है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी अगर आम आदमी पार्टी सक्रिय होगी तो वहाँ के क्षेत्रीय दलों के लिए भी चुनौती वहाँ पर निश्चित रूप से बनेगी बनेगी। तो किस तरह देखते हैं इस जीत को, और यहाँ पर मैनपुरी और खतौली और रामपुर इस चुनाव पर क्या कहेंगे? देखिए गौरव जी जी, मैं सबसे पहले केजरीवाल जी को बधाई देता हूं, तुषार जी को बधाई देता हूं। चलिए इस जीत के लिए जी। अब आप आइए उत्तर प्रदेश में जो 3 उपचुनाव हुए हैं उन पर चर्चा। खतौली में हम चुनाव जीतेंगे ये बिल्कुल अच्छा। सुनिश्चित है। अच्छा, आकाशवाणी हुई थी क्या? कैसे आपने बता दिया? हमने ऐसे बता दिया चूंकि मैं खतौली में ही था। अच्छा। और जो चुनाव का प्रतिशत है और जो मतदाताओं का रुझान है अच्छा वो गठबंधन के पक्ष में है। बहुत सही, कैसी बात सुन रहे हैं? निश्चित रूप से जी वो परिणाम जी सकारात्मक आएगा जी। यद्यपि जो वहाँ के पुलिस के कुछ अधिकारी इसमें बाधा पैदा करते रहे, अच्छा वोट नहीं डालने दिया। अच्छा। मतलब राकेश सिंह एक सीओ खतौली जिन्होंने आधार कार्ड देख करके मतदाता को वापस कर दिया कि आप इसके माध्यम से वोट नहीं डाल सकते। अच्छा। एक मतदान केंद्र सोटा पड़ता है, वहां पर एक बुजुर्ग महिला जिनकी उम्र 60 साल से अधिक थी उनको लाठियों से पीटा गया। अच्छा। सिर्फ इसलिए कि वो वोट डालने आई थी, केवल इतना उनका गुनाह था। अच्छा। तो मैं ये समझता हूं कि लोकतंत्र में अभी तक तो इस तरीके की परंपराएं नहीं रहती थी, प्रशासन मतदाताओं को वोट डालने का मौलिक अधिकार समझते हुए उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। बिल्कुल। लेकिन इस बार ये देखने में आया है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी। अच्छा। चुनाव तो सीधे प्रशासन लड़ रहा था। अच्छा। चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे रामपुर हो, चाहे खतौली हो। वोटिंग तो अभी हुई ना? वोटिंग तो हो गई ना? क्या वोटिंग हुई? अच्छा। गौरव जी 31% वोटिंग हुई है रामपुर, आज मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अच्छा। और उसका संज्ञान लिया जा रहा है जी। क्या चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि चुनाव आयोग वहां के जिला अधिकारी से ये जवाब तलब करते कि आखिर 31% मतदान कैसे हुआ? अच्छा। आखिर मतदाताओं का रुझान वोट डालने के प्रति इतना सकारात्मक क्यों नहीं रहा? आप बताइए इसके पीछे के कारण क्या रहे? आपको पता क्या कारण रहे? हमको भी पता है और पूरे प्रदेश और देश की जनता को पता है। हम दर्शकों को बता दीजिए, लोगों के दरवाजे तोड़े गए। अच्छा। लाठियों से पीटा गया। कौन दरवाजे तोड़ा भाई? पुलिस का काम था कि सीधे तौर पर प्रशासन चुनाव लड़ रहा था, वोट न डालने के लिए चुनाव में सहभागिता आम आदमी की न हो, मुस्लिम वर्ग वोट न डाल पाए, या जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का वोट नहीं है वो लोग पोलिंग बूथ पर न पहुंच पाए, इसके लिए रामपुर खतौली और मैनपुरी में क्या कुछ प्रशासन ने नहीं किया, उसके सारे विजुअल सारे वीडियो सब मौजूद हैं सोशल मीडिया। तो भाई जी, तो आप समय समय पर हमने बाकायदा चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, उनको हमने ट्वीट किया है जी, इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दी है जी। मतलब अखिलेश जी ने स्वयं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका फोन मैनपुरी के जिलाधिकारी नहीं उठा रहे हैं। अच्छा। ये कोई तरीका है? आप वहाँ के मुख्य अधिकारी हैं, आप जिला चला रहे हैं, आपके यहाँ चुनाव हो रहा है और आप कैंडिडेट का फोन नहीं उठाएंगे, आप उससे बात नहीं करेंगे, समस्याओं का आप समाधान नहीं करेंगे? देखिए एक बात गौरव जी बिल्कुल स्पष्ट है, सरकारें बनेगी और बिगड़ेंगी, चुनाव आएंगे और जाएंगे, लेकिन नौकरशाही के प्रति
अच्छा। जो समाज का सकारात्मक चिंतन रहा है आज तक, अच्छा, वो देश के प्रदेश के अधिकारियों को सोचना चाहिए कि कहीं इस चमचागिरी में मेरा जो मौलिक स्वरूप है वो नष्ट न हो जाए। मेरे भाई, पर मेरा सवाल यहाँ पर रहेगा, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासन ने इस तरह गुंडागर्दी की, दरवाजे तोड़ दिए, वोट डाल दिया, फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि आप जीतने वाले वहां पर? देखिए, हमारे पास पूरा बायोडाटा उसका मौजूद है, जीत का, जीत का, अच्छा, जीत का इसलिए बायोडाटा मौजूद है कि जो पोलिंग स्टेशन, अच्छा, कैसे भाई मुस्कुरा रहे हैं भाई, हमारे जी वोटरों से बाहुल्य हैं जी, उन पर तो वो इतने ताकतवर रहे, अच्छा, कि खतौली में 54% मतदान हुआ उसको ये रोक नहीं पाए, अच्छा, 54% मतदान हुआ रोक रहा उसको ये रोक नहीं पाए, इन्होंने रोकने का प्रयास किया, अच्छा, कि हम रोकेंगे, रामपुर रोक लिया, विकास प्रधान के घर में रात को पुलिस क्यों घुसी, अच्छा, क्या उनका गुनाह था, अच्छा, उनकी पत्नी का मोबाइल फोन पुलिस क्यों उठा लाई, क्या पुलिस को राइट है कि वो फोन उठा लाए, और क्यों फोन उठा करके लाए, उसका जवाब पुलिस देगी या प्रशासन देगा या निर्वाचन आयोग देगा? जी बिल्कुल। इस तरीके की गुंडागर्दी और इस तरीके का मिसबिहेव, अच्छा, क्या नहीं किया गया? लेकिन इन सब के बावजूद भी जी, हम चुनाव जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी जी, और यही चुनाव नहीं जी, आने वाले जितने चुनाव हैं, अच्छा, उसमें इनकी सारी गतिविधियां और सारी व्यवस्थाएं अब जनता के सामने आ चुकी हैं, ठीक ठीक, और आप देखिएगा कि ये कुछ चुनाव अभी एमसीडी हारे हैं जी, अभी आप देखिएगा आने वाले चुनाव में स्थानीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, देखिएगा उसमें किस तरीके की स्थिति पैदा होती। मेरे एक बार जवाब दीजिए, मैंने आपसे एक सवाल और पूछा, एमसीडी में बीजेपी कम कम रही है, हमारी पार्टी जीत कर आई है, तो क्या हमारी पार्टी आने वाले समय में आपके लिए चुनौती बनेगी नहीं बनेगी? आम आदमी पार्टी हमारे लिए चुनौती क्यों बनेगी? अच्छा, हमारा तो सीधा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, हमारा तो मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, अच्छा, आने वाले समय में जी हम उनसे चुनाव लड़ेंगे जी, अभी तो केजरीवाल जी का उत्तर प्रदेश में कुछ है नहीं, अच्छा, जब वो आएंगे जी और यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, अस्तित्व में आएंगे, अच्छा, तब उस पर हम, अरे केजरीवाल का अस्तित्व नहीं है क्या वो गवर्नमेंट क्या है अभी? केजरीवाल जी का उत्तर प्रदेश में क्या है? हाँ, वो प्रयास कर रहे हैं, अच्छा, वो भी विपक्ष में है उत्तर प्रदेश में, अच्छा, उनको भी हक है, चुनाव लड़ेंगे जी, अगर जनता देती है उसका स्वागत, आपकी चुनौती नहीं बनेंगे, हमारे लिए क्या चुनौती बनेगी? हमारे लिए तो भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला है, और अभी चुनाव परिणाम आ रहा है उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, किसी भाई सीधा मुकाबला अभी बात लेता हूँ आपकी, उमेश यादव है सुबह से। उमेश भाई, भाई क्या लगता है यहाँ पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपनी विजय पताका लहराई है, चुनाव भी लड़ेगी निकाय चुनाव, वहाँ पर भी सबको चुनौती देगी, हालांकि बीर भाई बोल रहे हैं उनके लिए कोई चुनौती नहीं है, अब चुनौती क्यों नहीं है, बाकोवर दे देगी या समृद्ध चुनाव लड़ेगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा, पर किस तरह देखते हैं यहाँ पर एमसीडी चुनाव के परिणामों को और किस तरह देखते हैं आगामी मैनपुरी रामपुर खतौली में जो परिणाम आएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं एमसीडी चुनाव दिल्ली पे बात कर लूं जी, देखिए वहां पर आम आदमी पार्टी का जी एक सीधा सीधा फंडा था कि उन्होंने गरीब तबके जरूरतमंदों पे काम किया, अच्छा, और उसका उनको सीधा सीधा लाभ मिला, अच्छा, कोठी बंगले वाले जो उनके वोटर नहीं थे वो वहां से निकले नहीं, और जो जरूरतमंद गरीब तबका था जिनको फ्री राशन, फ्री महिलाओं के लिए बस की टिकट की व्यवस्था या इस तरह की जो भी चिकित्सा शिक्षा से संबंधित सुविधाएं दी गई उसका उनको सीधा सीधा लाभ मिला, और एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को इसलिए उसकी उसका लाभ मिला। जैसे उत्तर प्रदेश में माननीय ओम प्रकाश राजवंश जी भी इसी तरीके की चीजों पर चर्चा करते हैं कि समान शिक्षा लागू हो, अनिवार्य शिक्षा लागू हो, और प्राय स्नातक तक अनिवार्य शिक्षा हो, फ्री चिकित्सा हो, इस तरह की चीजों जो वास्तव में जरूरतमंद है उनको लाभ मिलता है, अच्छा, तो निश्चित वो ऐसे ऐसे पार्टियों की तरफ, ऐसी योजनाओं की तरफ, ऐसी व्यवस्थाओं की तरफ आकर्षित होते हैं जिसका आम आदमी पार्टी को दिल्ली में लाभ मिला, अच्छा। और रह गई भारतीय जनता पार्टी की बात, तो दिल्ली का जो पैटर्न है उसमें भारतीय जनता पार्टी अभी पूरी तरह से फिट नहीं हो पा रही, अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का जो पैटर्न है फिट नहीं हो पाई जी, नहीं इसलिए नहीं फिट हो पा रही, जो उनका पैटर्न है, अच्छा, बंटवारे का वो वहां पर लागू नहीं होता, बंटवारे पैटर्न, बंटवारे का पैटर्न होता है, उमेश भाई बता दीजिए, बंटवारे का पैटर्न जातियों जातियों वर्ग संप्रदाय में बंटवारे का पैटर्न, अच्छा,
जी वहां पर वो शिक्षित जनता है और जो शिक्षित है वो एक तरफ है, जो जरूरतमंद है वो दूसरी तरफ है। अच्छा। जिनकी जरूरतें पूरी हो रही, सीधी सी बात। अच्छा। तो बीजेपी का पैटर्न वहां पर लागू नहीं हो पा रहा। अच्छा। और हाँ देखिए गरीब, ये जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा मंचों से अपने वक्तव्य में हमेशा कहते हैं कि ये गरीबों और पैसे वालों के बीच, जरूरतमंद और पैसे वालों के बीच की लड़ाई है। अच्छा। एक बड़ा तबका है वो उत्तर प्रदेश में, जिसका जो आशा वाली निगाहों से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को उत्तर प्रदेश में देख रहा है, मुझे लगता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को उसका लाभ मिला। अच्छा, निकाय चुनाव में क्या करने वाले? उसी तरह के निकाय चुनाव में क्या करने वाले? हमारी पार्टी चुनौती बनेगी आपके लिए? पूरे जी आम आदमी पार्टी का अभी किसी तरह का उत्तर प्रदेश में अस्तित्व नहीं है, इस तरह का कोई अस्तित्व नहीं है जी। उनका ना तो कोई संगठनात्मक कितने प्रतिशत वोट मिला, कितना वोट मिला आपको पता होगा। हम 12 सीटों पे लड़े, हम 6 पे काबिज है विधानसभा में। अच्छा, हमने अपने आप को साबित किया। कोई चुनौती नहीं आपके लिए? ना, आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है, ना हम उनको कोई चुनौती के रूप में लेते। ठीक है जी। किसी भाई भाई यहाँ पर तो बेप्रकाश भाई काफी बोले कि भाई यहाँ पर खूब प्रयास आपने कर लिया पर जीतने वही जा रहे हैं। देखिए गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी में और वो चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, अन्य दल हो, उससे यही डिफरेंस है। अच्छा, देखिए ये जो हताशा और निराशा है चुनाव के पहले से ही। अच्छा। ये कह तो जरूर रहे हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन ये हार का ठीकरा किस पर फोड़ रहा है? अच्छा। इसका इंतजाम समाजवादी पार्टी आप में है, ये पहले से आप बताइए, नावला गांव में 10 पोलिंग स्टेशन थे, कितने एजेंट थे आपके वहाँ, आप यही बता दीजिए। 10 पोलिंग एजेंट, 10 पोलिंग स्टेशन पे आपके 3 एजेंट थे श्रीमान जी। अगर हो हताशा आपके लिए, ये निराशा आपके लिए, भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, आपकी जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो आपको निराशा और हताशा की ओर ले जा रही है। चलिए चलिए, फिर जो बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, फिर मैं भी इंटरप्ट करूंगा। बोले बोले, तो फिर आप कहेंगे डिबेट खराब हो रही है। बोले 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 बोले, सवाल आ गया है, सवाल का जवाब सुनने का वादा रखे, थोड़ा धैर्य रखे, फिर सवाल करें, फिर मैं जवाब दूंगा। ठीक है, 1-to-1 करें ना जी। बिल्कुल, हाँ, हाँ, ये क्या मतलब है? हाँ, बोले, बोले। ये हल्ला बोल संस्कृति छोड़ दीजिए, चैनलों का बैठ के हल्ला बोल संस्कृति छोड़ दीजिए, सदन में करिए, विधानसभा में करिए, संसद में करिए, हल्ला बोल संस्कृति जो है चैनल पे लागू नहीं होती, क्योंकि दर्शक भी सुन नहीं पाते बात को। ओ हल्ला में देखिए, ये इन्होंने पहले से इंतजाम अपना कर लिया है। ये कहेंगे कि हमको वोट नहीं डालने दिया गया। अच्छा। ये कहेंगे प्रशासन ने हमको बंधक बना लिया। ये कहेंगे ईवीएम मशीन हैक हो गई। अच्छा। ये कहेंगे ईवीएम मशीन बदल दी गई। अच्छा। तो सारा की सारा पहला इंतजाम इन्होंने कर लिया है समाजवादी पार्टी ने। अच्छा। कि किस प्रकार से अपने आप को बैकअप देना है। अच्छा। दरअसल जनता ने इनको बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। इन्होंने बहन जी के साथ चुनाव लड़ा लोकसभा का, इनको भूखी खानी पड़ी। इन्होंने कांग्रेस का साथ लेकर के देख लिया, आधी आधी 104 सीटों पर गठबंधन किया था। उसके बाद क्या हुआ, ना कांग्रेस कहीं का छोड़ा, ना अपना कहीं के रहे, ना बहन जी को कहीं का छोड़ा, ना अपना कहीं के रहे। तो कुल मिलाकर के जो सफाया होता चला जा रहा है समाजवादी पार्टी का, इसलिए उसकी तोड़ इन्होंने क्या निकाली, ईवीएम मशीन खराब, पुलिस ने वोट नहीं डालने दिया। और जब चुनाव जीत जाए तो बहुत बढ़िया। अगर दिल्ली में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो चुनाव आयोग काम कर रहा था वो केंद्र के नेतृत्व में काम कर रहा था, फिर दिल्ली एमसीडीएम कैसे हार गए? अभी चुनाव हम जीत जाते तो कहते नहीं, ये तो चुनाव आयोग की खराबी है। जैसे सवाल उठा रहे, जैसे समाजवादी पार्टी के साथ ही वेद प्रकाश जी सवाल उठा रहे, रालोट के साथ ही पुलिस तो घर के अंदर, पुलिस तो घर के रालोत के, जी 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 रालोत जी, रालोत के रालोत के साथ ही वेद प्रकाश जी बता रहे हैं। अच्छा। कि हमारा गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ। हाँ। उन्होंने जाके दरवाजा तोड़ दिया। हाँ। उन्होंने वोट नहीं डालने दिए। अरे भाई, ये तो पूरा सब नहीं दिया, तो आज मामला माननीय उच्च न्यायालय में पहुंच गया है। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि प्रशासन ने क्या किया,
प्रशासन प्रशासन ने तो आपके इशारे पे जो करना था वो कर लिया, उसके बावजूद भी हम चुनाव जीत रहे हैं। ये आपकी हताशा और निराशा का परिणाम है। माननीय चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से हम आपको चुनाव हरा रहे हैं। ये आप नोट करके रख लीजिए। ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को इस बार मुंह की खानी पड़ेगी। ना हम कहते एवीएम हैंग हो गई, पुलिस का आपने दुरुपयोग किया। आप बताइए आपकी सरकार है, क्या आप इस बात का जवाब देंगे कि आखिर 31% मतदान रामपुर में कैसे हुआ? आपके जिलाधिकारी ने फोन क्यों नहीं उठाया? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के यहाँ जब मामला पहुँचता है तो वो बोलते नहीं है। अभी रवि प्रसाद जी बता रहे थे कि वो कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है और आप बता रहे हो कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। ये आप लोगों ने जो रिहर्सल किया है इसका मुंहतोड़ जवाब राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन देगा और आप चुनाव हारेंगे। ये बीडीसी वोट डालते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव डालते हैं, बीडीसी वोट डालते हैं, ग्राम प्रधान वोट डालते हैं, वो चुनाव ये रिजल्ट पाएंगे का। एक भी सीट समाजवादी पार्टी रालोद की गठबंधन की एक भी सीट एमएलसी की रिजल्ट पाए, क्यों रिजल्ट पाए? कहते गाँव में हमारा गढ़ है, गाँव में हमारी राजनीति होती है, शहरों में राजनीति नहीं कर पाते। तो ये तो गाँव का चुनाव था, आपका गांव में कोई राजनीति नहीं आ रहा। मैं पूछ तो रहा हूँ कि हमारे यहाँ नावला गांव में आप पोलिंग बूथ पर पोलिंग एजेंट नहीं बना पाए साहब, आप गांव की राजनीति क्या करेंगे? गांव की राजनीति करते हैं चौधरी जयंत सिंह जी, जो 131 गांव थे जिनमें से 80 गांव में वो व्यक्तिगत रूप से जाकर के कार्यकर्ताओं से मिले हैं, वोटरों से मिले हैं, गाँव गाँव जाकर के शहर शहर जाकर के उन्होंने बात की है। और आप लोग क्या करेंगे? आप तो दंगे की बात करते हैं, हम लोग गन्ने की बात करते हैं। आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। आप किसानों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, नौजवानों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, पार्टी को बधाई हो। आप कुछ नहीं कर सकते, मैं जो बता रहा हूँ उसको आप समझिए पहले। आप आइए, आप बता दीजिए गन्ने का रेट क्या है किसी भाई। आप किसान आज बता दीजिए कि गन्ने का रेट क्या है। सरकार ने आज तक गन्ने का मूल्य घोषित किया? जी बोलिए। आप जो है अग्निवीर बनाने का काम करते हैं। आप बताइए रिजल्ट जो आएगा वो तो आप कल देख लीजिएगा सुबह, आपको रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन आप ये हमको बताइए कि गन्ने का मूल्य क्या है, सरकार बताएगी? आप बताओ किसान शहीद हुए थे, आपने कहा था कि हम उनके परिवार के लोगों को नौकरी देंगे। कल आपने विधानसभा में कहा है कि हम नौकरी नहीं देंगे। बताइए एक भी प्रतिशत फर्क नहीं डालने वाला है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी पे दो तीन सीटों का जीतने हारने पे सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल मोहब्बत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वाला था तो फिर प्रशासन का इस तरीके से मिसयूज आप लोगों ने क्यों किया? लेकिन आप बताइए ना, सपा पे फर्क पड़ने वाला है? आप बताइए कि अगर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था तो आपने विपक्ष के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न प्रशासन के माध्यम से क्यों कराया? क्या आप बताइए कि प्रधानों के घर में जो पक्षधर थे उनके घर में पुलिस क्यों गई? लखीमपुर में लाठीचार्ज इसलिए नहीं गए ना? रामपुर में लाठीचार्ज क्यों हुआ? सुनो सुनो कुछ बोल रहे हैं। उनको पता था दोनों जीते हार रहे हैं, अच्छा, इसलिए अखिलेश यादव जी प्रचार करने नहीं गए। अच्छा, और जिन्होंने सलाह दी प्रचार करने जारी की उनको पार्टी से बाहर कर दिया। अच्छा, वो चाहे शिवपाल जी हो चाहे राजभर जी हो। अच्छा, फिर से शिवपाल जी को अपने पाले में ले आए कि किसी तरीके से हमारी वाइफ को चुनाव जिता दीजिए। अच्छा, डिम्पल जी को चुनाव जिता दीजिए। अच्छा, अब शिवपाल जी प्रिय हो गए। अच्छा, और जब शिवपाल जी ने कहा था आजमगढ़ बचा लो, हाँ, रामपुर बचा लो, हाँ, तब शिवपाल जी प्रिय नहीं थे। अच्छा, उनको जो है पार्टी से बाहर करना था। क्या बुराई हुई कि आप किसी भाई चाचा भतीजा का अगर मिलन हो गया, क्या बुराई हुई, क्या दिक्कत है आपको? अरे बहुत अच्छा है, स्वागत है, लेकिन मिलन कितने दिन का है ये भी बता दे। कितने दिन का समस्या है? ये वो चुनाव ये जानते थे कि चाचा के माध्यम से हम समाजवादी पार्टी में ये गहरी खाई करेंगे, लेकिन जैसे ही ये जानकारी मिली भारतीय जनता पार्टी को कि आप चाचा का मेल हो गया है,
उसी समय चाचा के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई, ईडी आ गई, सीबीआई आ गई, वही श्रेणी की सुरक्षा हटा ली, वहाँ पे लोगों का उत्पीड़न ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ये मशीन हैक हो गई जी ठीक है हमको वोट नहीं डालने दिया तो हम जीत जाते हैं ठीक है ठीक है ये तैयारी उस दिन की है ठीक है ठीक है जिस दिन परिणाम की घोषणा हो ठीक है ठीक है ये समाजवादी पार्टी जी और रालोद उसी दिन की तैयारी में पहले से है कि अरे हमारे वोटरों को वोट नहीं डालने दिया बंधक बना दिया साहब कल चुनाव हम जीत रहे हैं अभी इसकी तैयारी नहीं है जी ये ध्यान रखिएगा जी अभी इसकी तैयारी नहीं है जी माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीत रहे हैं चलिए ठीक है इसको आप बिल्कुल अन्यथा मत लीजिए और आपको ये पता भी है कि ये चुनाव गठबंधन जीतेगा और आप ये स्वीकार भी कर रहे हैं आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप इसको स्वीकार कर रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तैयारी आपने बढ़िया ठीक है इसके लिए आपको धन्यवाद ठीक है ठीक है ईडी एफ सीबीआई किसको यहाँ पर जांच करेगी अगर आप सत्य हैं तो मैं कहा जांच से किसी को डर नहीं होना चाहिए और ऐसी तमाम जांचों को यहाँ पर कई पार्टियां झेलती भी हैं जैसा कि कई मामलों में हम देखे भी हैं अगर कर नहीं तो डर नहीं खैर रविंद्र प्रताप जी आपकी आवाज मेरे ख्याल से आप स्पष्ट आएगी किस तरह देखते हैं आप किसी भाई तो बोल दिया है कि यहाँ पर आप लोग ठीकरा जो है आपका फूटने वाला हारने वाले हैं तो पहले से बहाने बनाने शुरू कर दिए हैं रालोद प्रवक्ता ही बना रहे हैं आप भी बनाएंगे जी अब देखिए केसी भाई की आदत लगातार बोलने की है तो मैं अपेक्षा करूंगा कि ना बोले सुन ले सुन लीजिए केसी भाई बोल लेंगे जी बोले अरे मैंने बोला मेरे बीच में सब लोग बोल रहे हैं इतना मैंने किसी की बीच में कोई पड़ी नहीं की आप पूरी एक बार सुन ले वो जी भारतीय जनता पार्टी को शासन करते केंद्र में 8 वर्ष हो रहा है जी प्रदेश में शासन करते 6 वर्ष हो रहा है जी और इसके के लिए उन लोगों ने 52 वर्ष तक इंतजार किया गया अच्छा जिन पार्टियों ने 52 वर्ष तक शासन किया उसमें इतना अहंकार नहीं आया जितना अच्छा। इनको 8 वर्ष के शासन में अहंकार आ गया है अहंकार आ गया अच्छा पिछले 2 साल के चुनाव अगर आप देख लीजिए जी राज्य स्तरीय चुनाव हुए हो प्रदेश स्तरीय चुनाव हुए हो भारतीय जनता पार्टी लगातार हारती रही है जी उत्तर प्रदेश का अगर चुनाव देख लीजिए 2017 से लेकर 2022 तक जी भारतीय जनता पार्टी लगातार हारती रही है जी ये अलग बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार बना दिया कहां आ गई सरकार भी बनी है जी अरे 2017 में बनी हुई है 2017 आप आ रहे 2022 आप आ रहे तो लगातार भारतीय जनता पार्टी खाली उत्तर प्रदेश में ही नहीं आ रही है पूरे भारत वर्ष में जवाब देते जवाब देते जवाब देते कहीं ना कहीं उनकी उसका 2 कारण है अच्छा। कि उनकी जन विरोधी नीतियां हैं अच्छा। और वो विपक्ष को नष्ट कर देना चाहते हैं संस्थाओं के माध्यम से जी तो अगर इस प्रकार चल रहा कि 8 साल में तानाशाही रवैया करेंगे जनता इनको उखाड़ फेंकेगी और आप खाली खतौली और रामपुर की बात कर रहे हैं अभी ये गुजरात भी हारने जा रहे हैं और अभी ये दो चुनाव होते हैं दोनों मुख्यमंत्रियों के जी एक मुख्यमंत्री के शहर में होता है वो हार जाते हैं एक उप मुख्यमंत्री के शहर में लोकसभा चुनाव होता है वो अच्छा, वाला चुनाव बता रहे हैं जी फिर नवंबर में निकाय चुनाव होते हैं जी नवंबर में निकाय चुनाव में हम उनको बराबर की टक्कर देते हैं जबकि हमारा वोट बेगाने की शादी में मुल्ला भी वाले अपना बताइए ना चुनाव होते हैं एमएलए के हम उनसे 7-7 सीट की टक्कर लेते हैं पंचायत चुनाव होते हैं पूरी तरीके से हार जाते हैं फिर 2019 में लोकसभा रविंद्र भाई सुन लीजिए रविंद्र भाई आप केसी भाई बोल रहे हैं फिर 2000 रविंद्र भाई कैसे कुछ बोल रहे हैं 2012 में जी 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई सरकार बनने के बाद 2014 का लोकसभा चुनाव आप हार गए परिवार की 5 सीटें बची अरे सुन तो लीजिए दूसरे के भाई जवाब क्या दे रहे हैं हार गए दूसरे के सुनने से चल ठीक है ठीक है उत्तर प्रदेश सुनेंगे नहीं तो जवाब क्या देंगे ठीक है हो गया ठीक है
और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार गई। चल ठीक है ठीक है, कौन हारा कौन जीता है? अरे प्रदर्शन करते हैं और जनता को ये बताते हैं कि किस तरीके से असंयमित पार्टी है और किस संयमी से वो असंयमित प्रवक्ता है। अच्छा ठीक है, सबके मामले में टांग अड़ाएंगे। क्यों आप असंयमित हो जाते हैं? सुनने के लिए क्या दिक्कत है आपके साथ भाई? देखिए समस्या ये है, जब किसी के पास कुछ कहने के लिए नहीं होता है ना, तो सिर्फ आरोप लगाता है। अच्छा अब ये इन्होंने जो आंकड़ा दिया, इन्होंने कहने को तो कह दिया, अब ये भाग रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ ही। अच्छा। आप बताइए ना, 2014 में कितनी सीटें जीते थे लोकसभा में? 2019 में कितनी सीटें जीते लोकसभा में? आपने बहन जी के साथ गठबंधन किया 2017 इसलिए कांग्रेस से गठबंधन किया, कांग्रेस की बैताखी लेने की आपको आवश्यकता क्यों आज पड़ी 2017 में, जबकि आपकी पूर्व बहुमत की सरकार 2012 से 17 तक रही। अगर आपने काम किया, अपने काम की दम कांग्रेस की गोद में क्यों जाके बैठ गए? और परिणाम क्या हुआ? जो सीटें थी वो भी चली गई। चले ठीक है, जहाँ जीतने वाले थे वो भी आपको कांग्रेस। चलिए आम आदमी प्रवक्ता कुछ बोलना चाह रहे भाई, तो सर भाई यहाँ पर उमेश यादव बोल रहे कोई चुनौती नहीं है, बेगवाद जी बोला कोई चुनौती अस्थिर भी नहीं है आपका उत्तर प्रदेश में। भाई पिछले निकाय चुनाव में भी आप लोग सीट जीत कर आए थे, वो अलग बात है कि आपका कोई मेयर नहीं बना, पर सीटें आपने जीती थी जो आंकड़े हैं मेरे पास। पर यहाँ पर क्यों बोल रहे चुनौती नहीं है, आप लोग अस्थिर भी नहीं है, आपका क्यों ऐसा बोल रहे? देखिए गौरव भाई जी, जो भी हमारे साथी अभी जैसे कि बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इतना अहंकार कि अभी से बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कोई अस्तित्व नहीं है, मैं बताना चाहूंगा लोकतंत्र के अंदर अहंकार की कोई जगह नहीं होती है, जनता मालिक होती है। अच्छा, तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है, गोवा में हमारे काउंसलर हैं, सूरत में हमारे काउंसलर हैं, और आम आदमी पार्टी फर्स्ट ग्रोइंग पार्टी नेशनल पार्टी बनने की कगार पे आ चुकी है, तो इन लोगों को शायद इस बात को नहीं पता कि आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी नेशनल पार्टी बनने वाली है। अच्छा। और उसने जनता के मुद्दों पर काम किया है। आज से पहले आप देखिए किसी भी पार्टी विपक्ष पार्टी में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी विपक्षी पार्टी हो, उसने आज तक कभी भी बिजली पे बात नहीं करी। अच्छा, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में दिल्ली मॉडल पे बोला कि हम अगर सरकार आएगी तो हम 300 यूनिट बिजली 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। अच्छा। तो इस बार उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हुए थे उसमें ये बहुत बड़ा एक मुद्दा हुआ। अच्छा। आप देखिए जहाँ पे स्कूलों पे बात नहीं होती थी, आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मंचों से दहाड़ने लगे हैं, शिक्षा की बात करने लगे हैं। तो मैं इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद करता हूँ, उनका जो विजन था वो काम कर रहा है। देश में आप देखिए शिक्षा के मॉडल को, अगर दिल्ली में हमने जो सरकारी स्कूलों की ठीक किया है, जहाँ पे आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए सरकारी स्कूलों की हालत क्या हो गई है, अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता भाई साहब पूछ ले कि आपने आपके जो सरकारी स्कूल है उनकी दशा को देख लीजिए और हमारे दिल्ली के स्कूल की दशा देख लीजिए। अच्छा। यहाँ तक कि अभी कुछ ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री ने हमारे दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को आमंत्रण भी दिया। अच्छा। कि आप हमारे स्कूल आके देखिए, लेकिन उनका जब उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया और जब वो लखनऊ आते हैं तो उनको एकदम पुलिस द्वारा प्रशासन द्वारा रोक लिया था, ऐसे कोई आतंकवादी आ गया। अच्छा। लेकिन फिर भी हमने उनको आमंत्रण किया कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको एक एक स्कूल दिखाएंगे। अच्छा। ना ही कोई पुलिस होगी ना कुछ होगा। अच्छा। तो इनको इस चीज को स्वीकारना होगा कि हाँ, इन्होंने आज की डेट में जो भी है, उन्होंने पहली बार सरकारी स्कूलों पे कोई काम नहीं किया। इनके अच्छा। सरकारी स्कूल में देखिए बहुत से वीडियो वायरल होते हैं। अच्छा। शिक्षक जो होता है पीके पड़े होते हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे झाड़ू लगा रहे होते हैं। तो ये सब चीजें इनको सुधारनी होंगी। जैसे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने एक शिक्षा के मॉडल को दिया है जिसकी आज तारीफ ठीक है, आप देखिए बाहर विदेशों से होती है। ठीक ठीक ठीक, ये बताइए यहाँ पर बीर भाई और आपके प्रवक्ता सुभाषपा उमेश भाई हमारे क्यों बोल रहे हैं आपको चुनौती नहीं मानते हैं? कह रहे कोई चुनौती नहीं हमारे लिए, जब आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो क्यों उत्तर प्रदेश जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही है? क्या दिक्कतें हैं, समझ नहीं पा रही क्या उत्तर प्रदेश जनता? देखिए ये अलग है यहाँ पर। देखिए अब उत्तर प्रदेश की जनता, अभी आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव लड़ने जा रही है। अच्छा। ठीक है, जिसमें कि हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चलिए बहुत। और इसके लिए देखिए जैसे कि दिल्ली में, अब दिल्ली का जो आज निकाय चुनाव का रिजल्ट आया है, एमसीडी का जो रिजल्ट है, उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने भी देखा, देश की जनता ने सबने देखा। ठीक। और
आपको मैं कहता हूं कि इस बार निकाय चुनाव में एक बहुत बड़ा बदलाव, जैसे कि आप देखते हो कि हर निकाय चुनाव होते हैं तो जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बहुत ज्यादा जीतते हैं, लेकिन इस बार आपको मैं आपके चैनल पर बोल के जा रहा हूं, इस बार निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी का आप खुद देखेगा एक प्रदर्शन किस तरह से होगा, एमसीडी चुनाव से भी अच्छा चुनाव यहाँ पे उत्तर प्रदेश। अरे दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी बीजेपी के बाद अगर बीजेपी चुनाव जीत के आती है? देखिए आम आदमी पार्टी जैसा कि आप देख रहे होगे कि राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है, अच्छा। देश की सबसे तीसरे नंबर की पार्टी आम आदमी पार्टी बनने जा रही है। अच्छा जी, तो यहाँ पर निकाय चुनाव में आप बहुत अच्छी पार्टी बनने जा रहे हैं। बिल्कुल अच्छा। जी किसे बोलिए? देखिए गौरव जी, हमने तो बधाई दी तुषार जी को, आम आदमी पार्टी को जी, कि भाई आपने चुनाव जीता है आपको बधाई हो जी, लेकिन इतना गुरूर और घमंड एमसीडी के चुनाव मात्र जीत जाने से ये चीजें शोभा नहीं देती। अभी आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, 430 सीटों पे चुनाव लड़े, आपका खाता तक नहीं खुला। अगर रालोद के साथी, समाजवादी पार्टी के साथी या भाजपा के साथी अगर ये बात कह रहे हैं, अगर वो ये बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अस्तित्व नहीं है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो अस्तित्व नहीं है समाज जो है आम आदमी पार्टी का, किसी ने कहा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चुनाव जीत जाने मात्र से इतना गुरूर और घमंड हम राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में सफाया कर देंगे, सारी पार्टियों का सफाया कर देंगे देश से, ये अच्छी बात है ना। आम आदमी पार्टी और अभी आपने पांच राज्यों में चुनाव लड़ा, पांच राज्यों में से आपको पंजाब में जरूर जीत मिली, बाकी चार राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी जीती ना, तो उसको भी तो सराहिए आप कि आप सिर्फ एक पांच राज्यों में से एक राज्य में आपकी सरकार बनी, चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो आपके अंदर इतना गुरु उमेश भाई पूछ रहे हैं। उमेश भाई यहाँ पर बोल रहा है कि जो आप लोग हैं, आप लोग ऐसी बात बोल लेते हैं और पूरा अस्तित्व है, इस बार निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाली है, फिर क्यों बोल रहे हैं भाई आप लोग ऐसी बात, अस्तित्व नहीं है, इनको हल्के में ले रहे हैं आप लोग, क्या दिक्कत है भाई, पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली है जी। देखिए दिल्ली के गौरव भाई जी, दिल्ली के एमसीडी चुनाव से अगर आप उत्तर प्रदेश को कंपेयर करेंगे, 2 करोड़, हम नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, मैं नहीं कर रहा हूँ जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ गौरव भाई, तुषार भाई जो कह रहे हैं जी, 2 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश में जी, तरह तरह की विचारधारा के लोग, वर्ग संप्रदाय और जातियों के लोग जी, विभिन्न तरह के लोग, और 26 करोड़ की आबादी वाला देश का 1/6 भाग उत्तर प्रदेश में निवास करता है जी, और आप दिल्ली से उसको कंपेयर कर रहे हैं। एक एमसीडी चुनाव में यदि आपने 15 साल बाद सफलता भी प्राप्त कर ली कई बार सरकार बनाने के बाद जी, तो आप उससे उतने ज्यादा अहंकार के भाव उत्तर प्रदेश में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और हमारा पूरा संगठन जी हर निकाय में चुनाव लड़ाएगा जी, और आप देखिएगा आने वाले निकाय चुनाव में हमारी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा। निश्चित आप उस पर जरूर चर्चा करें। अच्छा ठीक है भाई। कैसी भाई, भाई यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने कहा है कि तुषार श्रीवास्तव जो की आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी को लगता है पर हम जो सबसे बड़ी पार्टी बनने वाले हैं और निश्चित रूप से जो एमसीडी में बेहतर प्रदर्शन किया है और ऐसा ही प्रदर्शन निकाय चुनाव करने वाले आगे कमेंट दीजिए जी। किसी भाई जी आवाज मिल रही है हमारी आपको? जी बिल्कुल जी, बोलिए जी। देखिए सपने देखने का अधिकार सबको है और लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है जी, लेकिन जो परिणाम जनता ने दिए हैं, जो वर्तमान स्थितियां हैं, उनको नकारा नहीं जा सकता है जी। अगर उत्तर प्रदेश में अभी ये जस्ट अभी कुछ महीने पहले ही चुनाव में उतर चुके हैं, विधानसभा चुनाव में उतर चुके हैं, तो इनका खाता तक नहीं खुला है, और उसके बाद में ऐसा ख्वाब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो नगर निकाय के चुनाव होंगे उसमें ये झंडा लहराएंगे, सबको खत्म कर देंगे, तो इतना सरल चीजें नहीं है। और विश्लेषण करने के बाद एक धीरे धीरे एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर रहे हैं, अच्छा। आपको बधाई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की के प्रति जनता का जो रुझान है और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से काम कर रही है, इन चीजों को क्या आप ऐसे नकार सकते हैं क्या? गुजरात जी दोबारा फिर से वहां पे सरकार बना रहे और 4 राज्यों में हम सरकार अभी जस्ट इसके पहले चुनाव कराए कुछ महीने पहले, तो इन सारी चीजों को जो जमीनी हकीकत है उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। हाँ ठीक है, आपकी इच्छा है, लोकतंत्र में अधिकार आप चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव लड़ने के साथ साथ जो हकीकत है उसको खारिज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप सभी मेहमानों को इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा थी लोकतंत्र के महापर्व यानी कि एमसीडी चुनाव, यानी कि आगामी उपचुनाव के नतीजे और आगामी निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश के, आने वाले समय में कौन कहाँ पर विजय पताका लहराएगा,
ये तो भविष्य के गर्भ में निहित है। पर एक बात तो साफ है कि लोकतंत्र पर्व जब मनाया जाता है तो आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं, शिकायतें भी होती हैं, समस्याएं भी होती हैं, और तमाम कयासों को अलग करते हुए परिणाम भी आते हैं। परिणाम हमारी पार्टी के पक्ष में आए या सपा के या भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के, परिणाम परिणाम होते हैं, और हर परिणाम हमें कुछ ना कुछ सीख देता है। सीख ये देता है कि अगर आप बेहतर करेंगे तो परिणाम बेहतर आएंगे। कांग्रेस ने एमसीडी चुनाव में ज़्यादा मेहनत नहीं की, रणनीति नहीं बनाई, प्रचार नहीं किया, उसका खामियाजा कांग्रेस को यहाँ भुगतना भी पड़ा, 9 सीटें आईं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में निकाय चुनाव में भी यहाँ पर किस तरह से भूमिका रहेगी पार्टियों की, और आम चुनाव भी होने वाले हैं, पर उससे पहले लोकतंत्र के महापर्व को मनाने के लिए एक जो सहायता और सहयोग होना चाहिए निश्चित रूप से वो भी जरूरी है। यहाँ पर शिकायतों का दौर तो जारी रहेगा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश, पर यहाँ पर जिस तरह से जनता के मुद्दे भी कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं, कुछ बात जनता के मुद्दों पर कर ली जाए, डिबेट में आरोप प्रत्यारोप और समस्याओं को गिनाना और तमाम तरह के यहाँ पर कटाक्ष करना ये लाजमी है, पर कुछ संघर्ष अगर धरातल पर हो जाएगा तो शायद तस्वीर कुछ बदलेगी, शायद परिणामों की भी और चुनावों की भी। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।